आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं मुगलिया सल्तनत काल में दक्षिण भारत में जन्मे एक ऐसे विद्वान की कहानी, जिसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया तो ऐसा प्रेम किया कि उसने बादशाहत को ही झुका दिया, और अपने धर्म सनातन से प्रेम किया तो इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को इस सनातन के लिए माँ गंगा को समर्पित कर दिया। यह पूरी कहानी अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के साथ आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त है, अतः इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए जानते हैं कि उस विद्वान पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग की पूरी कहानी क्या है। यह कहानी है 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की। उस समय मुगलिया सल्तनत अपने स्वर्ण काल में थी, और मुगलिया सल्तनत पर बादशाहत थी शाहजहां की। शाहजहां कलाओं को प्रश्रय देने के लिए जाना जाता था। उसके दरबार में विश्व के चुनिंदा विद्वान सम्मान पाते थे। शाहजहां के समय में कलाओं ने जितनी प्रगति की, पूरे सल्तनत काल में कलाओं ने उतनी प्रगति नहीं की थी। लेकिन शाहजहां एक मुगल था। उसे बचपन से यह सिखाया गया था कि पूरे भारतवर्ष की जो कुछ भी नायाब चीज है, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह बौद्धिक हो, उसे तुम्हारे राज दरबार की शोभा होनी चाहिए। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष की बेशकीमती वस्तुओं पर शाहजहां अपना अधिकार समझता था। उसी समय सुदूर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर राजा चंद्रदेव का एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था। राजा चंद्रदेव के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति सम्मान पाता था, जिसका नाम था पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग। उम्र थी मात्र 22 से 23 वर्ष, लेकिन विद्वता ऐसी कि बड़े बड़े विद्वान उसके सामने पानी भरते थे। जब वह कविता कहता तो ऐसा लगता मानो साक्षात माँ सरस्वती उसके मुख में विराजमान हो, और जब वह दर्शन की बात करता तो ऐसा लगता जैसे उसकी वाणी में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हों। बड़े बड़े विद्वान उसके सामने आते और उसके अकाट्य तर्कों से पराजित होकर अपना मुंह लेकर चले जाते थे। उसकी विद्वता की सुगंध देश देशांतर में फैलने लगी। उसी समय दिल्ली में मौलवियों का वर्चस्व था। विद्वता के पर्यायवाची यही मौलवी समझे जाते थे। उन्हें यह कहां सहन होने वाला था कि एक युवा विद्वान जो सनातन धर्म से आता है वह इतनी प्रसिद्धि पा रहा है। इसीलिए 40 मौलवियों का दल शाहजहां की अनुमति लेकर राजा चंद्रदेव के दरबार में जा पहुंचा। वहां पर जाकर मौलवियों ने राजा चंद्रदेव के सामने पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग से शास्त्रार्थ करने की चुनौती रखी, और चुनौती की शर्त यह रखी गई कि यदि पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग विजयी होते हैं तो सभी मौलवी अपनी दाढ़ी उन्हें सौंप देंगे, और यदि जगन्नाथ शास्त्री तैलंग हार जाते हैं तो उन्हें अपनी शिखा काटकर उन मौलवियों को देनी होगी। पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सही समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ क्या था? बच्चों का खेल था। कहां एक तरफ हजारों वर्षों पुरानी सनातन परंपरा के दर्शन से भरे हुए पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग, और कहां कुछ 100 वर्षों पहले से प्रारंभ हुए एक दर्शन से आने वाले मौलवी। विजय किसकी होगी यह तो पहले से ही निश्चित था, और अंततः हुआ यही। 40 मौलवियों का दल पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग से हार गया, और अपने मान सम्मान के साथ अपनी दाढ़ी भी पंडित जगन्नाथ शास्त्री को सौंप कर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस घटना को हुए कुछ ही दिन हुए कि राजा चंद्रदेव के दरबार में मुगलिया सल्तनत का एक राजदूत आ धमका। उसने बादशाह का संदेश राजा चंद्रदेव को सुनाया। उस संदेश में बादशाह ने कहा था कि वे राजा चंद्रदेव से पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग को चाहते हैं। राजा चंद्रदेव एक छोटे राज्य के राजा थे। मुगलिया सल्तनत के फरमान की नाफरमानी करना उनके बस की बात नहीं थी, और इसीलिए पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग मुगल राज दरबार में चले गए। मुगल राज दरबार में शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग को बड़ा ही सम्मान प्रदान किया। उनके आने से मुगलिया राज दरबार की शोभा बढ़ गई, और पंडित जगन्नाथ शास्त्री के लिए भी यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनकी विद्वता एक छोटे से राज्य में रहकर जितनी फैल सकती थी उससे कहीं अधिक बड़ा आकाश उन्हें दिल्ली की सल्तनत में मिलने वाला था। पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग मुगल राज दरबार में अपनी विद्वता की सुगंध बिखेरने लगे। इसके बाद शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग को अपने पुत्र दारा शिकोह को शिक्षित करने का भी कार्यभार सौंपा।
पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग के प्रभाव में आकर दारा शिकोह हिंदू दर्शन के प्रति आकर्षित हुआ और उसने गीता और उपनिषदों का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया। इसी दारा शिकोह को पढ़ाते समय पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग के जीवन में प्रेम का आगमन हुआ। लेकिन कहानी को आगे जानने से पहले मैं आप सभी विद्वतजनों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको तो मात्र 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। हरम से कुछ दूर हटकर एक सजे हुए कमरे में, जिसे कि अध्ययन कक्ष कहा जाता था, पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग दारा शिकोह को पढ़ाने लगे। इसी समय कई बार शहजादे के साथ एक लगभग 18 वर्षीय सुंदरी भी पढ़ने बैठ जाया करती थी। युवा जगन्नाथ उस गौर वर्णा को बार बार दारा शिकोह से नजर बचाते हुए निहार लेते थे। धीरे धीरे जगन्नाथ उसके अप्रतिम सौंदर्य से आकर्षित होने लगे। इधर कंधों तक फैले हुए चमकीले बालों वाले तथा हर रोज की कसरत से कसे हुए 25 वर्षीय युवा जगन्नाथ को देखकर उस हसीना के मन में भी कुछ कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। दोनों के मन में श्रृंगार के भाव जगने लगे। अब तो वे दोनों यही चाहने लगे कि कोई ऐसा एकांत में मौका मिले जहां एक दूसरे को अपलक निहारते हुए अपना प्यार पनपने दें। एक दिन जगन्नाथ ने हिम्मत करके शहजादे से पूछ ही लिया, इस कन्या से आपका क्या रिश्ता है? शहजादे ने खुलासा किया, आचार्य प्रवर, इस यवन कन्या का नाम लवंगी है और बचपन में इसके माता पिता एक हादसे में मारे गए। तभी से इसकी परवरिश हमारी अम्मी जान मुमताज महल ने की है और हमारे साथ रहते हुए यह लवंगी भी संस्कृत भाषा और व्याकरण में निपुण हो रही है। ऐसे पढ़ते पढ़ाते दिन गुजरते रहे और इन दोनों युवा प्रेमियों का प्यार धीरे धीरे और गहराता गया। एक दिन दारा शिकोह को दौरे पर आगरा जाना पड़ा। पंडित जगन्नाथ को इसकी खबर नहीं थी। वे रोज की तरह अध्ययन कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। वहां पास के लगे कमरे में उन्होंने देखा कि लवंगी दर्पण में देखते हुए अपने घुंघराले बालों को सुलझा रही थी। उसके सौंदर्य को देखकर जगन्नाथ के पैर वहीं ठिठक गए और दरवाजे पर खड़े वे एकटक उसके सौंदर्य को नख से शिख तक निहारने लगे। दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर लवंगी ने मुड़कर देखा कि वहीं हृष्ट पुष्ट तेजस्वी युवा उसे सतत निहार रहा है। दोनों के मन में प्रेम का ज्वार उमड़ता तो था, पर इस एकांत ने दोनों को इसके इजहार का मौका दे दिया। उस प्यार में कुछ ऐसा नशा था कि लवंगी खड़े होकर अपना आंचल संभालती उसके पहले ही जगन्नाथ ने बिना किसी संकोच के उसकी नजाकत को सशक्त बाहुपाश में बांध लिया। वह कमसीन लड़की भी अपनी जिंदगी के पहले प्रेम के आगोश में समा रही थी। लवंगी की नशीली आंखों में आंखें डालकर जगन्नाथ शास्त्री ने अपनी भावना को शब्द दिए, लवंगी, यह हमारा क्षणिक शारीरिक मिलन नहीं है, यह तो पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा है। इस पर लवंगी का निराशा भरा स्वर आया, आचार्य प्रवर, इस नाचीज यवन कन्या पर ऐसा प्यार, इतना प्यार, यह मुमकिन नहीं होगा। इस पर जगन्नाथ ने विश्वास भरे स्वर में लवंगी की निराशा को दूर किया, प्रिय, यह आत्मा का बंधन है, यह उम्र, जाति और मजहब से कहीं अधिक ऊंचा है। लवंगी के भीतर प्यार का भरोसा जगाकर जगन्नाथ अपने आश्रय स्थल की ओर लौट रहे थे कि तभी बादशाह के हरकारे ने उन्हें बादशाह का पैगाम सुनाया, आज शाम दीवाने आम में कई मुल्कों के जानकारों की किसी मुद्दे पर बहस होगी और बादशाह सलामत चाहते हैं कि आप भी इस बहस में शामिल होकर अपने इल्म का प्रदर्शन करें। जगन्नाथ के लिए यह हर्ष का विषय था। उस शाम हुए पंडितों के शास्त्रार्थ में विद्वानों ने कई तर्क वितर्क दिए और आखिर में पंडित जगन्नाथ को बोलने का मौका दिया गया। जगन्नाथ शास्त्री ने वेद, पुराण और अनेक ग्रंथों से ऐसे सशक्त उदाहरण दिए कि सभा में बैठे सारे विद्वानों ने एक स्वर से पंडित जगन्नाथ शास्त्री की जय जयकार की। वे उस शाम के सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित किए गए। बादशाह शाहजहां ने जगन्नाथ के ऐसे प्रदर्शन से खुश होकर जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सुशोभित कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते रहे।
जगन्नाथ लवंगी का प्रेम परवान चढ़ता रहा। कुछ समय बाद शहजादे दारा शिकोह को एक महीने के लिए हैदराबाद जाने का फरमान सुनाया गया। जाने से पहले वह लवंगी को हिदायत दे गया कि इस दौरान वह अध्ययन कक्ष में न जाए। शहजादे की इस पाबंदी से दोनों युवा प्रेमी यह सोचकर मन ही मन बेचैन हो रहे थे कि अब वे एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। विरह की तड़प में उनके दिन कट रहे थे। वे ऐसे मौके की तलाश में थे कि एकांत में एक दूसरे को निहार सकें, मन की बातें कर सकें। एक दिन मेहमानों के ठहरने के लिए अतिथि गृह में कोई भी मेहमान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पंडित राज ने दूर से देखा कि लवंगी अतिथि गृह में ही जा रही थी। जगन्नाथ ने सोचा कि मिलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह लंबे लंबे डग भरते हुए वहां जा पहुंचे। शैया पर अंगड़ाई लेती हुई लवंगी के चेहरे पर बिखरे बालों में से उसका गोरा मुख ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे काले बादलों की घटा में से आधा चंद्रमा झांक रहा हो। जगन्नाथ उसके समीप पहुंचे और उसे आलिंगन में ले लिया। कुछ पलों तक प्रेमी जोड़ा विरह की प्यास बुझाता रहा। लवंगी के मखमली चेहरे से बालों की लट हटाते हुए जगन्नाथ ने एक विरही स्वर में कहा, लवंगी अब तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। अब तुम्हारे बिना जिंदगी का एक पल भी एक युग जैसा लगता है। जगन्नाथ की बाहों में खुद को निढाल सा छोड़ते हुए लवंगी ने अपने मन की बात कही, आचार्य आपके बिना मेरी जिंदगी ऐसी होती है जैसे कोई जिंदा लाश हो। हम इस तरह छुप छुप कर मिलने वाली जिंदगी कब तक जिएंगे? आचार्य यदि खुदा न खास्ता शहजादे दारा शिकोह ने मुझे आपकी बाहों में देख लिया तो यकीन जानिए वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लवंगी के इस दर्द ने जगन्नाथ शास्त्री का मानो कलेजा ही चीर कर रख दिया। उन्होंने लवंगी की करुणा से भरी आंखों में झांकते हुए यह वादा किया कि जल्द ही वह उससे विवाह करेंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए, उस मुगलिया सल्तनत के क्रूर परिवेश में रहते हुए भी लवंगी को अपने पंडित राज पर पूरा भरोसा था। मुगल दरबार में अब पंडित राज के अलंकृत संस्कृत छंद गूंजने लगे थे। उनकी काव्य शक्ति विरोधियों के मुंह से भी वाह वाह की ध्वनि निकलवा लेती। यूं ही एक दिन पंडित राज के एक छंद से प्रभावित होकर शाहजहां ने कहा, आहा आज तो कुछ मांग ही लीजिए पंडित जी, आज आपको कुछ भी दे सकता हूं। पंडित राज ने आंख उठाकर देखा, दरबार के कोने में एक हाथ माथे पर और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी एक अद्भुत सुंदरी पंडित राज को एक टक निहार रही थी। अद्भुत सौंदर्य जैसे कालिदास की समस्त उपमाएं स्त्री रूप में खड़ी हो गई हों। पंडित राज ने एक क्षण को उस रूपसी की आंखों में देखा। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए शिव की तरह विशाल काया वाला पंडित राज उसकी आंख की पुतलियों में झांक रहा था। पंडित ने मौन के स्वरों से ही पूछा, चलोगी? लवंगी की पुतलियों ने उत्तर दिया, अविश्वास ना करो पंडित, प्रेम किया है। जगन्नाथ शास्त्री यह जानते थे कि लवंगी को शाहजहां ने अपनी पुत्री की तरह माना है। एक क्षण को उन्होंने कुछ सोचा और फिर पूरी ठसक के साथ मुस्कुराकर कहा, नयाचे गजालिम नवावाजिराजम नवित्ते शुचित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा लवंगी कुरंगी दृगंगी करोतु। पंडित राज ने भरी सभा में शाहजहां से उसकी पुत्री जैसी लवंगी को मांग लिया था। शाहजहां ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि पंडित राज हम अपने वादे से कभी नहीं मुकरेंगे, पर हमारे मन में यह खौफ कचोट रहा है कि एक कट्टर ब्राह्मण एक मुगलिया से विवाह करके अपने खानदान और अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएगा। लोग तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर भी यदि लवंगी को तुम पसंद हो तो मुझे यह विवाह मंजूर है। जगन्नाथ ने अति विश्वस्त होकर कहा, शाहजहां न मुझे समाज की परवाह है न जाति के लोगों के विरोधियों का डर, और लवंगी तो मेरी जीवन संगनी बनने के लिए बहुत पहले से अधीर है। युवा जगन्नाथ के ऐसे दृढ़ संकल्प को समझते हुए बादशाह ने भरी सभा में पंडित राज और लवंगी की शादी की घोषणा कर दी। लवंगी और पंडित राज का वैवाहिक जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। इसी बीच पंडित राज ने संस्कृत साहित्य के दो अनुपम ग्रंथों की रचना की, एक 16 श्रृंगार पर आधारित भामिनी विलास जो कि एक खंड काव्य है, और दूसरा अलंकार शास्त्र पर आधारित रस गंगाधर।
ये ऐसी पांडित्यपूर्ण रचनाएं थीं कि पंडित जगन्नाथ शास्त्री समूचे संस्कृत साहित्य में विद्वान लेखक के श्रेणी में माने जाने लगे। लाल किले में बादशाह शाहजहां आनंद से जीवन बिता रहे थे, तभी एक मध्यरात्रि में अचानक किले में जबरदस्त कोलाहल मच गया। सैनिक हथियारों से लैस बेतहाशा इधर से उधर दौड़ रहे थे। एक दरबान मशाल लिए हुए जगन्नाथ के पास हांफता हुआ यह खबर देने आया कि बादशाह के तीसरे शहजादे औरंगजेब ने दक्षिण से आकर सारे लाल किले पर कब्जा कर लिया है। उसने बादशाह शाहजहां को कैद में डाल दिया है और दारा शिकोह का भी कत्ल कर दिया है। यह बताते हुए उसने कहा कि पंडित राज, चूंकि आप भी बादशाह के चहेते हैं, औरंगजेब आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेनापति ने कहा है कि आप किले के पिछले दरवाजे से निकलकर जमुना पर लगी नाव में बैठकर कहीं दूर निकल जाएं और अपनी जान बचाएं। दोनों नवविवाहित जोड़े नाव में झोंके लेते हुए मथुरा पहुंच गए और वृंदावन में रहने लगे। थोड़े दिन बाद जगन्नाथ ने यह समझा कि यहाँ उनकी विद्वता की कोई पूछ परख नहीं है, अतः काशी जो विद्वानों का गढ़ है वहीं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो पाएगा। यह सोचकर वह दोनों काशी नगरी बनारस पहुंच गए। मगर बनारस तो बनारस है, वह अपने ही ताव के साथ जीता है। बनारस किसी को इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर लेता और यही कारण है कि बनारस आज भी बनारस है। नहीं तो अरब की तलवार जहां भी पहुंची वहां की सभ्यता संस्कृति को खा गई। यूनान, मिश्र, फारस, इन्हें 100 वर्ष भी नहीं लगे समाप्त होने में, लेकिन बनारस 1000 वर्षों तक प्रहार सहने के बाद भी आज भी गाता है, स्वस्ति नो इंद्र वृद्धस्रवा, स्वस्ति नो पूखा विश्ववेदा। बनारस ने एक स्वर से पंडित राज को अस्वीकार कर दिया, कहा, लवंगी आपके विद्वता को खा चुकी, आप सम्मान के योग्य नहीं। तब बनारस के विद्वानों में पंडित अय्यप दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित का नाम सबसे प्रमुख था। पंडित राज का विद्वत समाज से बहिष्कार इन्होंने ही कराया था, पर पंडित राज भी पंडित राज थे और लवंगी उनकी प्रेयसी थी। जब कोई कभी प्रेम करता है तो कमाल करता है। पंडित राज ने कहा कि लवंगी के साथ रहकर ही बनारस की मेधा को अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। पंडित राज ने अपनी विद्वता दिखाई भी। पंडित भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित काव्य प्रौढ़ मनोरमा का खंडन करते हुए उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा कूच मर्दनम नामक ग्रंथ लिखा। बनारस में धूम मच गई, पर पंडित राज को बनारस ने स्वीकार नहीं किया। पंडित राज ने पुनः लेखनी चलाई। पंडित अय्यप दीक्षित द्वारा रचित चित्र मीमांसा का खंडन करते हुए चित्र मीमांसा खंडनम नामक ग्रंथ लिख डाला। बनारस लेकिन अब भी नहीं पिघला। बनारस के पंडितों ने अब भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। पंडित राज दुखी थे, बनारस का तिरस्कार उन्हें तोड़ रहा था। आषाढ़ की एक शाम थी, गंगा तट पर उदास बैठे हुए पंडित राज ने अनायास ही लवंगी से कहा, गोदावरी चलोगी लवंगी, वह मेरी मिट्टी है, वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगी। लवंगी ने कुछ सोचकर कहा, गोदावरी ही क्यों, बनारस क्यों नहीं, स्वीकार करवाना हो तो बनारस से ही करवाइए पंडित जी। पंडित राज ने थके स्वर में कहा, अब किससे कहूं, सब करके तो हार गया। लवंगी मुस्कुरा उठी, जिससे कहना चाहिए उससे तो कहा ही नहीं, गंगा से कहो, वह किसी का तिरस्कार नहीं करती, गंगा ने स्वीकार किया तो समझो शिव ने स्वीकार किया। पंडित राज की आंखें चमक उठीं, उन्होंने एक बार पुनः झांका लवंगी की आंखों में, उसमें अब भी वही 20 वर्ष पुराना उत्तर था, प्रेम किया है पंडित, संग कैसे छोड़ दूंगी। पंडित राज उसी क्षण चले और काशी के विद्वत समाज को चुनौती दी, आओ कल गंगा के तट पर, तल में बह रही गंगा को सबसे ऊंचे स्थान पर बुलाकर न दिखाया तो पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग अपनी शिखा काटकर उसी गंगा में प्रवाहित कर देगा। पलभर को हिल गया बनारस। पंडित राज पर अविश्वास करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जिन्होंने पंडित राज का तिरस्कार किया था वे भी उनकी सामर्थ्य से परिचित थे। अगले दिन बनारस का समस्त विद्वत समाज दशाश्वमेघ घाट पर एकत्र था। पंडित राज घाट की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गए और गंगा लहरी का पाठ प्रारंभ किया। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग की सबसे अद्भुत रचना है। लवंगी उनके निकट ही बैठी थी और पाठ प्रारंभ हो गया। गंगा 52 सीढ़ी नीचे बह रही थी। पंडित राज
ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आती। बनारस की विद्वता आंखें फाड़े निहार रही थी। गंगा लहरी के 51 श्लोक पूरे हुए। गंगा 51 सीढ़ी चढ़कर पंडित राज के निकट आ गई थी। पंडित राज ने पुनः देखा लवंगी की आंखों में। अब की लवंगी बोल पड़ी, क्यों अविश्वास करते हो पंडित, प्रेम किया है तुमसे। पंडित राज ने मुस्कुराकर 52वां श्लोक पढ़ा। गंगा ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ी और पंडित राज तथा लवंगी को गोद में लिए उतर गई। बनारस अस्तब्ध खड़ा था, पर गंगा ने पंडित राज को स्वीकार कर लिया था। तट पर खड़े पंडित अय्यप जी दीक्षित ने मुंह में ही बुदबुदाकर कहा, क्षमा करना मित्र, तुम्हें हृदय से लगा पाता तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझता, पर धर्म के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक था। बनारस झुकने लगे तो सनातन नहीं बचेगा। युगों बीत गए, बनारस है, सनातन है, गंगा है, तो उसकी लहरों में पंडित राज भी हैं। तो यह थी पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग और लवंगी के प्रेम की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।